आपने कभी ओशो के बारे में सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि ओशो कौन थे। इससे पहले कि हम ओशो के बारे में बताना शुरू करें, आप हमारे चैनल आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओशो एक आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और भारतीय विचारक थे। ओशो के जीवन के साथ बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। ओशो ने अपने पूरे जीवन काल में एक विवादास्पद रहस्यदर्शी और आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाई। ओशो का मूल नाम रजनीश और चंद्रमोहन जैन था, जिन्हें आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश और ओशो के नाम से जाना गया। ऐसा माना जाता है कि ग्रेजुएशन करते समय उन्हें मध्य प्रदेश के एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ओशो खुद भी कहते थे कि उन्हें उस पेड़ से बहुत लगाव है। ओशो धार्मिक रूढ़िवादिता के कठोर आलोचक थे, जिसके कारण अन्य धर्मों के गुरु उन्हें पसंद नहीं करते थे। ओशो पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने संभोग के बारे में खुलकर बातें की और संभोग को समाधि का मार्ग बताया, और यही कारण था कि वह अपने जीवन काल में एक विवादास्पद दार्शनिक की भूमिका निभाते रहे। ओशो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे, लेकिन अपनी विरोधी प्रवृत्ति के कारण विश्वविद्यालय से उन्हें निकाल दिया गया। दोस्तों, ओशो का जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन में हुआ था। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार मुंबई में शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने पुणे में अपना आश्रम स्थापित किया। ओशो ने अपने शिष्यों को नए संन्यास के उपदेश दिया। ओशो का मानना था कि संन्यास का अर्थ अपने परिवार सुख समृद्धि का त्याग करना नहीं होता, बल्कि संन्यास का वास्तविक अर्थ अपने परिवार अपने संबंधियों के साथ सुख सुविधा का भोग करना होता है। ओशो की इस विचारधारा ने संन्यास की नई परिभाषा प्रस्तुत की और विश्व के कोने कोने से लोगों ने इस संन्यास को अपनाना शुरू किया। ओशो की विचारधारा से जुड़ने वाले ज्यादातर लोग विदेशी थे। राजनीतिक मतभेद के कारण 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और उन्होंने वहां के लोगों को नए संन्यास के उपदेश दिए, लेकिन वहां भी अपने विचारों के चलते ओशो विवादों से घिरे रहे, इसलिए सन 1985 में वे अमेरिका से भारत लौट आए। 21 देशों से निकाले जाने के बाद ओशो जीवन के अंतिम दिनों में अपने आश्रम में आ गए। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में जेल के दौरान जेल के अधिकारियों ने ओशो को थेलियम नाम का एक धीमा जहर दिया था, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 1990 में पुणे के आश्रम में ओशो की मृत्यु हो गई। ओशो की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि उनके के आश्रम में बनाई गई, जिस पर लिखा गया, न जन्मे में न मरे, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच पृथ्वी ग्रह का दौरा किया। ओशो के आश्रम में उपस्थित उनके शिष्य मानते थे कि ओशो ने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, जो भी हो, ओशो एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने जीवन से जुड़ी नई अवधारणाएं समाज तक पहुंचाई। उन्होंने अपने एक उपदेश में कहा था कि मैंने बहुत सी बातें कही, लेकिन मूर्खों ने केवल संभोग सुना। दोस्तों, आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि हम देश दुनिया की रोचक चीजें आप तक पहुंचा सके, आपको दुनिया की अनोखी चीजों के बारे में बता सके। If you found it meaningful, then do like, share and subscribe to the YouTube channel.